हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका सभी का एक नए वीडियो में। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है मारुति सुजुकी की रेट्स कार। वैसे तो ये मार्केट में ऑलरेडी बंद हो चुकी है। 2008 में इस गाड़ी की लॉन्चिंग हुई थी और इसका नाम रिट्स डालना पड़ा क्योंकि फोर्ड की ऑलरेडी इंडिया में एक स्प्लैश नाम से कार सोल्ड आउट हो रही थी, इसलिए सेलिंग हो रही थी, इसलिए ऑलरेडी इसका नाम चेंज करना पड़ा। यूरोप और जापान में ये गाड़ी स्प्लैश नाम से ही बिकती थी। बहुत ही सक्सेसफुल कार रही है गाड़ी, लेकिन बंद करना पड़ा 2016 में अक्टूबर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग। पता नहीं क्यों कंपनी ने इसको क्यों बंद कर दिया। बाकी गाड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। 2008 के बाद लॉन्चिंग के 3 साल के अंदर अंदर इस गाड़ी की 2 लाख से ज़्यादा की यूनिट बिक चुकी थी मार्केट में। और 2016 में जब ये गाड़ी मार्केट में बंद हुई थी मैन्युफैक्चरिंग, तब इस गाड़ी की करीब 4 लाख से ज़्यादा यूनिट बिक गई थी। ये गाड़ी 2 वर्जन में आती थी, डीजल और पेट्रोल में। पेट्रोल में ये गाड़ी जो आती थी K12M इंजन आता था और 1.2 लीटर में ये इंजन आता था पेट्रोल में। इस गाड़ी की जो पेट्रोल में जो पावर जो जनरेट होती थी वो 6000 RPM पे 84 BHP की पावर जनरेट करती थी। वहीं इसका अगर टॉर्क की बात करें तो डीजल पेट्रोल में जो टॉर्क जो पैदा करता था वो 4000 RPM पे 130 न्यूटन मीटर पावर जनरेट होती थी। डीजल इंजन में जो गाड़ी आती थी वो 1.3 लीटर आती थी, फिएट का इंजन आता था, मल्टी जेट इंजन आता था इसके अंदर, और 4000 RPM पे 74 BHP की पावर जनरेट करती थी ये गाड़ी। डीजल इंजन की जहाँ तक अगर टॉर्क की बात करें तो 2000 RPM पे 190 न्यूटन मीटर की पावर जनरेट करती थी। पेट्रोल में जो कंपनी जो क्लेम करती थी वो 18.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज जनरेट करती थी, और वही अगर डीजल की बात करें तो 21 किलोमीटर पर लीटर का इसका इंजन जो है फ्यूल कैप जो एवरेज देती थी वो होती थी। इस गाड़ी का जो इंटीरियर की अगर बात करें तो इसका जो डीजल जो इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड की अगर आप देखेंगे तो कितना खूबसूरत इंजन आता था, बहुत ही कंफर्टेबल था। ये जो डैशबोर्ड की डिज़ाइन देख रहे हैं कितनी अच्छी लगती थी, बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव थी इस गाड़ी को। जो इस गाड़ी को एक बार चला लेता था तो दूसरी गाड़ी चलाने का मन ही नहीं करता था, इतनी खूबसूरत गाड़ी थी ये। इसका जो बूट स्पेस जो आता था वो 236 लीटर का बूट स्पेस आता था। खूब अच्छी जगह थी इस गाड़ी में सामान रखने के लिए और काफ़ी कंफर्टेबल जगह इसमें सामान रखने के लिए। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आता था वो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता था। बहुत ही अच्छा इसका देखेंगे आप नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस कितना अच्छा आता था। बहुत ही कंफर्टेबल और स्टेबल कार थी ये। ये जो गाड़ी आप जो देख रहे हैं ये डीजल वर्जन है। डीजल वर्जन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1.3 फीएट का मल्टी जेट इंजन आता था जो कि जो पावर जो जनरेट करता था 4000 RPM पे 74 BHP की पावर जनरेट करता था। टॉर्क जो है 2000 RPM पे 190 mm का टॉर्क पैदा करता था NM का। तो देख आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल इंजन आता था इसका। इसके अंदर जो फ्यूल की जो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी थी 43 लीटर कैपेसिटी का इंजन आता था। बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी थी, डीजल इंजन है ये, और इसकी जो आप शेप देख सकते हैं पीछे एरोडायनामिक शेप थी। तो फ्रेंड्स, गाड़ी के बारे में अगर जहाँ तक जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। गाड़ी मारुति ने पता नहीं क्यों बंद कर दी, पता नहीं, और होप इसके अलावा कुछ और नई अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मारुति की आएगी। तो अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर मिलेंगे एक नई गाड़ी के बारे में। ये फटाफट एक छोटा सा रिव्यू था, और आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई ये मेरा वीडियो देखें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।